अब मैं नीचे चली गई थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इस वजह से फिर मुझे नीचे जाना पड़ा। ठीक है, मैं आधे में जो है ना वीडियो छोड़ के, आधी भी नहीं, दो शेप्स क्रम्बल की थी तो मैं वीडियो छोड़ के चले गई। अभी अजान हो रही है, अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का सेकंड पार्ट शूट कर लिया जाए, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके ही नीचे जाऊँगी। और बादल भी आ रहे हैं इस साइड से ना, तो कोई पता नहीं है कब बारिश हो जाए। चलो टेक्सचर जो है वो ड्राई हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, साइमा खान है, आप कह रही है कि जिम चौकी और मर्डर की क्रम्बलिंग कर दो, तो आप मुझे थोड़ा सा दिन सांस ले लूँ, ठहरो। ये देखो, ये वाली वीडियो भी मैं जो है ना धूप में बैठी बैठी रिकॉर्ड करके, तो फिर ज़्यादा ही धूप होगी, फ़ोन बंद हो गया, मैं नीचे चलेगी। अब वन बाय वन ही करूँगी ना, सीरीज स्टार्ट करनी है, शेप्स बनानी है, ऐसे टेक्सचर समेटने हैं। दो या तीन दिन का वक्फा मिलता है तो उसमें बड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। ठीक है, खैर वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करनी इंशाल्लाह। अभी हम क्रम्बलिंग करते हैं, लेकिन ये अजान जो है ना सुन लें, फिर हम जो है ना क्रम्बलिंग करते हैं। ट्राइपॉड के ऊपर ही लगा लेती हूँ मोबाइल। ये देखो ना, ये टेक्सचर एक वीडियोस की रिकॉर्ड की है, जिसको जो अभी मैंने अपलोड कर दी है, और उसके अलावा मैं अब ग्रीटी सीमेंट की भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग एक जैसे टेक्सचर देखते हैं कि थक ना ना जाओ, इसलिए इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी। इतना अच्छा टेक्सचर, अनबिलीवेबल वाला टेक्सचर है, बहुत बहुत सेटिस्फाइंग टेक्सचर है। चलो अजान जो ख़त्म हो गई है, मैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अभी भी धूप बार बार निकल रही है। जी जनाब, वेलकम बैक। वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, मैंने जिम चो की भी वीडियो साइमा खान के लिए रिकॉर्ड कर ली है भाई। अब मर्डर्ड की वीडियो जो है ना, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कर लूँगी। इधर देखो, ग्रे डट लग रही है, ये घाची है, इसका कलर ही पता नहीं किधर गया, सारा ही सारा का सारा ख़राब हो गया, अजीब सा कलर हो गया। वो ब्लैक डट को देखो बेचारी को। अच्छा, आप लोग कहते हो इनकी वीडियोज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड करती, भाई टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ, इनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ या जो पहले टेक्सचर्स हैं उनकी वीडियोज़ सीरीज़ रिकॉर्ड करूँ, समझ से बाहर है। जो भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। अच्छा चलो, जिम चौकी भी क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये ना एक्चुअली में जो ऊपर का क्रस्ट है ना, ये हार्ड हो जाता है, धूप लगने की वजह से। अंदर का बिल्कुल ठीक रहता है, इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि आगे जिम चो की क्रम्बलिंग वीडियो रिकॉर्ड की है, ऊपर से ज़्यादा वो करूँगी तो फिर जिम चौक हो जाएगा। इसकी डस्ट बड़ी नाक में गई है। ये हैंडमेड जिम चौक था, ठीक है, वाइट डट ये होती है, हम लोग जो लिक्विड सेपरेट करते हैं ना वाइट टेक्सचर्स में से, उसके अंदर सीमेंट डाल के हमने टेक्सचर बनाया होता है, ठीक है, और जो जिम चौक होता है ये हमने अलग बनाया होता है। बहुत जान लगती है इसको क्रम्बल करने में। चलो जी, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो है ना मटकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं इधर से ही, क्योंकि बादल शादल भी आई जा रहे हैं, मैं ना वो ना हो बाद में बैठी रहूं।
क्ले पॉट इधर कर लेते हैं, क्ले पॉट में क्रमलिंग करते हैं। मुल्तानी मिट्टी की रिक्वेस्ट किसी ने की थी कि काइंडली आप मेरे लिए मुल्तानी मिट्टी की क्रमलिंग कर दें, तो दिस इज़ फॉर यू। इसका कलर देखो, मोस्टली लोग कहते हैं कि हम लोगों को मर्द नहीं पसंद, लेकिन आपकी मर्द की जो है ना वो क्वालिटी या आपका मर्द की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतना अच्छा फीडबैक देने का, थैंक यू। इनको हाथ भी दिल करता है, आराम आराम से ही लगाओ। इधर आ जाओ, ये मड है हमारी प्योर मड, इसका कलर देख लो और इसका कलर देख लो, दोनों का चेंज है ठीक है, लेकिन इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। बारिश की वजह से ना इसमें भी थोड़े थोड़े क्रैक्स आ गए, यहाँ से ना बेचारी नीचे को गई है। खैर अब हम लोग जो है ना उठते हैं यहाँ से, ठीक है, वहाँ पे ग्रीटी टेक्सचर की शेप जो डिस्ट्रॉय है इसको क्रम्बल करते हैं, फिर बन जाएगी और फिर ब्लॉग को एंड कर देते हैं। हो भाई ये मैंने कर दी है, बाकी का काम मैं शाम को आके समेटूंगी ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ना सैंड के चंक्स हैं, ब्लैक सैंड, ये वेट है, ये थोड़ी बहुत ड्राई है ठीक है गाइस। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए छोटे छोटे चंक्स रख दिए थे कि जल्दी ड्राई हों, बाकी का ना व्लॉग हम बाद में शूट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे बहुत सारी क्रम्बलिंग के साथ। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह, बाय बाय। बल्कि मुझे कहना था सानिया खान है, उनकी मदर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, और मेरे व्लॉग बहुत शौक से देखते हैं, थैंक यू सो मच। सानिया यासमीन, यासीन या यासमीन, यासीन थोड़ी सॉरी
तो उनकी बात हो रही थी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बरीरा, थैंक यू सो मच, और उसके बाद लाइका, थैंक यू सो मच, और मेरी एक और सब्सक्राइबर है जो कह रही थी कि आप मेरी रिक्वेस्ट, हिफ़्ज़ा इमरान आपको कौन सी रिक्वेस्ट है मुझे बता दें। और हाँ जी, मैं एक पोस्ट लगा दूँगी, ठीक है, आप सब अपने जो बर्थडे डेट है वो आप लोग जो है ना वहाँ पे पोस्ट में कमेंट कर दीजिएगा। काइंडली ये रिक्वेस्ट ना कीजिएगा कि ये टेक्सचर की क्रमलिंग करो, ठीक है, आप बस ये कर दीजिएगा कि इस दिन मेरी बर्थडे है तो मुझे वीडियो डेडिकेट कर देना, क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सेम टाइम पे सेम वीडियो रिकॉर्ड करना, सही है। तो जो वीडियो होगी अवेलेबल मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।